वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी एंड आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, हमारी बुक टीएस ग्रेवाल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है पेज नंबर 10 पे, 3.10 पे। ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी पिछले लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उनसे रिलेटेड है। तो ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और इनपे कैसे लिखना है तो ये एक जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द अकाउंट्स। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि हमारी जो अदर इंडस्ट्रीज है उनके साथ में, उनकी नहीं कोई भी इंडस्ट्री उनके साथ में वो गुड रिलेशंस को अकाउंट फॉर करें। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो ये क्या है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या ये मनी में मेजरमेंट हो सकता है कि हाँ हमें अगर ये रिलेशन रिकॉर्ड करना है तो इसका प्राइस ये होगा, इनके साथ हमारा ऐसा रिलेशन है तो ये 5,000 रुपीज का होगा या फिर 1 लाख का होगा, स्टाफ के साथ है तो ये इसकी प्राइस जो है 10,000 होगी, मैनेजर के साथ है तो 1 लाख होगी और डीएमएम के साथ है तो और अबव होगी, ऐसे ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन किस में मेजरमेंट हो सकता है, मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट था मनी मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो यही तो बात करता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे इवेंट्स जो मनी में मेजरमेंट हो सकते हैं हम सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। यानी कि क्या ये ट्रांजेक्शन आपका मनी में मेजरमेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। तो आपको जो इसका सोल्यूशन लिखना वो ऐसे ही लिखना है कि पहला तो ये बताना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आप यही कहोगे ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, फिर आप इसमें दो लाइन थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हैं, कि यही कि ये उन्हीं ट्रांजेक्शन उन्हीं इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करता है जो मनी में मेजर हो, जो इजिली मेजर कर सके, जो फाइनेंशियल नेचर के हो। ठीक है, ये लिखा एंड देन इसके बाद आपने इसका आंसर दे दिया कि बिकॉज ऑफ दिस ये मेजर, ये रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है हमारा मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता, इस वजह से ये हम जो है इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस यानी कि फ्यूचर में मिलने वाली सक्सेस में उन्हें डाउट है कंपनी को कि वो उन्हें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो अब इनको ये लग रहा है कि यार मार्केट में तो बहुत कॉम्पिटिशन है तो आगे हो सकता है हमारा बिजनेस डल हो जाए या फिर हमें लॉस हो या फिर एनी हाउ हम मतलब अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू ना कर पाए। मतलब इनका इंटेंशन क्या निकल के आ रहा है, ये अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं शट डाउन मतलब कट डाउन डाउनफॉल जो है वो कर लेना चाह रहे हैं कि हम अपना डाउन साइज करना चाह रहे हैं कि उसको बंद कर दे या फिर थोड़ा सा उसको कम कर दे जिससे कि हम जो कॉम्पिटिशन है उससे अपने आप को बचा ले, उस होने वाले लॉस से अपने आप को बचा ले। ठीक है, अब इस पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो बात करता है कि हमारा बिजनेस हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू ऐसा मानते हैं कि वो चलेगा, लॉन्ग रन में चलेगा। ठीक है, उसको हम स्टॉप नहीं करते क्योंकि हमने उसमें आपको बताया था कि उसमें दो खर्चे होते हैं जिनके वजह से उसको हम अपना गोइंग कंसर्न मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होता है, इसी वजह से हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर के लिए भी कंटिन्यू यानी लॉन्ग टर्म में चलेगा। और रेवेन्यू वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं तो वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है और कैपिटल हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि जो है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना है कि ये पहला तो ये कॉन्सेप्ट बताना है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको ये बताना होता है कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर इनडेफिनेट पीरियड एंड कोई उसमें इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को स्टॉप करो या डाउन साइज करो। ठीक है, फिर आपको आगे बताना, क्योंकि इसमें इनका इंटेंशन यही निकल के आ रहा है, ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को डाउन साइज करेंगे या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं, तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट को अगर ये फॉलो करते हैं तो। ओके, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, सेल अभी हुई नहीं है। ओके, सेल अभी टेक प्लेस नहीं हुई है,
reliable customers of the company have placed large order. कुछ जो है जो उनकी कंपनी के रिलायबल कस्टमर है जिनपे वो ट्रस्ट करते हैं, जो पहले ही पेमेंट दे देते हैं, वो लोग उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, एक लार्ज ऑर्डर, छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, फ्रॉम विच ह्यूज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से कंपनी ये एक्सपेक्ट करी कि उन्हें एक बड़ा अच्छा भला प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी सेल हुई नहीं है, सेल से सेल कब होती है, कब माना जाता है, जब उस सामान पे, उस जो है सर्विस पे या गुड्स पे जो है राइट टू ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. ओके, और हमें ये भी बताया गया कि मनी हमें मिले, कैश पेड हो और ना हो, ये रिलेवेंट नहीं करता है. राइट टू सेल हो जाना चाहिए, मतलब गुड राइट टू ओनरशिप, टाइटल टू ओनरशिप ये ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब कि जो परचेजर है उसके पास जो है गुड्स या फिर सर्विस पहुंच जानी चाहिए, उसको मिल जाना चाहिए, वो उसको रिसीव कर ले, उसको वो यूज करने लगे, टाइटल उसके नाम पे हो, इनवॉइस उसके नाम पे हो, तो यहाँ पे पता चलेगा कि सेल टेकन प्लेस. ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि सेल अभी नहीं हुई है, पैसा हमें पहले ही मिल गया है. तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है, मनी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. उसमें हमें ये बताया गया है कि हम अपनी ट्रांजेक्शन और इवेंट को उसी दिन उसी टाइम पे एंट्री कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस दिन सेल हुई हो, है ना. तो इसके मतलब यहाँ पे आप कनेक्ट करो कि यहाँ पे क्या सेल हुई है, नहीं, यहाँ पे सेल कब हो रही है, फ्यूचर में. तो आप रिकॉर्डिंग कब करोगे, जब सेल होगी, फ्यूचर में जब होगी तब आप करोगे, और तभी आपका प्रॉफिट भी रियलाइज हो पाएगा, उससे पहले नहीं. चाहे आपने पैसा रिसीव किया हो या ना किया हो, ये मैटर नहीं करता है. ठीक है, आपको आई होप सो इसको ढंग से क्लियर हो गया हो. अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप एक बार रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया उसको जाके देख लीजिएगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और फिर आके आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट करिएगा तो आपके लिए इजी पड़ेगा. ठीक, फिर भी एक बार मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि हम अपनी रेवेन्यू को रियलाइज तभी मानेंगे जिस दिन हमने सेल एक्चुअल में हो गई है, और सेल कब, सेल या फिर सर्विस रेंडर कर ली, और सेल और सर्विस रेंडर तभी माना जाता है जब वो गुड्स उसके पास आ गया हो या फिर सर्विस आ गई. और ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए इनवॉइस बिल, कैश मेमोज और जितने भी बिल्स होते हैं उनसे पता चल जाएगा कि इस पार्टी के नाम पे ये ट्रांसफर हो गया है, ये ट्रांजेक्शन हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर है अभी उनको ना ही कोई सर्विस मिली है ना ही कोई गुड्स मिला है, इसका मतलब सेल नहीं हुई है. और अगर सेल नहीं हुई है तो हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, एडवांस पेमेंट का हम चढ़ा सकते हैं लेकिन हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल इस तरह से सेल को नहीं दिखाएंगे. ठीक है, और जब हम सेल यानी कि गुड्स जब हम उन्हें देंगे या फिर सर्विस अगर हम देते तो हम अगर उन्हें सिर्फ सर्विस देंगे तो ही हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये तीन क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लियर हो गए हो. और अगर फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार अपनी बुक को पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर भी अगर कुछ भी है कंफ्यूजन तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करूंगी. ठीक है, और इसमें अभी मैं आगे एक दो मेरे वीडियोस और बनेंगे क्वेश्चंस पे, तो उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियोस मेरे देख सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं. ठीक है, और ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, बाय बाय.